हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपिल्ले। पिछले प्रॉब्लम सेट 8 में हमने पढ़ा था एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। आज इस प्रॉब्लम सेट 9 में हम पढ़ेंगे एडिशन, बट एडिशन इन वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो दिए हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहले हमें ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एडिशन के, तो कुछ वर्ड्स हमें क्लियर करना है। जैसे कि सम, SUM सम होता है। सम का मतलब है हमें प्लेस करना है। ऐड दिया है तो हमें प्लेस करना है। ऑल टुगेदर अगर क्वेश्चन में पूछा है तो हमें प्लेस करना है। टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी अगर हमें पूछा है तो हमें प्लेस करना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमें समझना है। हम ये प्रॉब्लम सेट में जाते हैं तो हमें मालूम है प्रॉब्लम सेट 8 में एडिशन है, प्रॉब्लम सेट 9 में वर्ड प्रॉब्लम से एडिशन है, प्रॉब्लम सेट 10 में सब्ट्रैक्शन है, प्रॉब्लम सेट 11 में वर्ड प्रॉब्लम्स आगे सब्ट्रैक्शन है, ये हमें मालूम रहता है। लेकिन जब हम पेपर सॉल्व करने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में जब हमें एक प्रॉब्लम मिलता है, वर्ड प्रॉब्लम, अगर नंबर्स में प्रॉब्लम मिला तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिंबल रहता है ऐड या सब्ट्रैक्ट का, या क्वेश्चन में आपको बोलते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम इन्हें प्लस करें या हम इन्हें माइनस करें। तो ये वर्ड्स को हमें क्लियरली समझना है कि जब सम, ऑल टुगेदर, ऐड, बोथ, टोटल, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स क्वेश्चन में पूछा है तो हमें प्लस करना है। और पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, मैं जो वीडियोस है स्टैंडर्ड 5th के सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन ए सर्टेन इलेक्शन। अब ये नंबर दिया है तो हमें ये नंबर को पढ़ना है। अब नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें पूरे अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हुआ है कि नंबर को कैसे रीड करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख। सो द नंबर इज 13,47,048। सो इन ए सर्टेन इलेक्शन 13,47,048 वुमेन एंड 14,29,638 मैन कास्ट देयर वोट्स। हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड टुगेदर। इलेक्शन में वुमेन 13,47,048 मतलब टोटल कितना वोट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेस करना है। अब ये प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So votes cast by women 13,47,048, votes cast by men 14,29,638। अब चाहा तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया है, कभी कभी स्टेटमेंट्स लंबे हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग अलग लाइन्स यूज करना पड़ता है। तो हम इसे अलग से लिखेंगे और ऐड करेंगे। और जब भी हम नंबर्स लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस रख के नंबर्स के बीच में हम लिखेंगे, ताकि हमें भी क्लियरली समझ में आ जाए कि कौन से नंबर के नीचे कौन सा नंबर हमने लिखा है। अगर आप बिना बॉक्स के करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बॉक्स बना के सॉल्व करेंगे तो इस वेल एंड गुड, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा और वो दिखने के लिए भी नीट रहेगा। जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था सारे प्रॉब्लम जो हमने बॉक्स बना के सॉल्व किया था। अगर आप बिना बॉक्स के भी सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको संभाल के सॉल्व करना है। और नंबर जब लिखते हैं तो संभाल के लिखना है केयरफुली, कि यूनिट्स के प्लेस में आप यूनिट्स के प्लेस के नीचे यूनिट्स का नंबर लिख रहे हैं, टेंस का, हंड्रेड्स का, ऐसा हर एक आपको देख के लिखना है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे। 8 + 8 = 16। सो हम यहाँ पे 1 कैरी करते हैं। 1 + 4 = 5, 5 + 3 = 8। अब जब लिखेंगे तो भी वही नंबर के नीचे हम लिखेंगे, आगे पीछे या राइट साइड में लेफ्ट साइड में उनको डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ कैरी नहीं आया है। 6 + 0 = 6, 9 + 7 = 16। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 1 + 4 = 5, 5 + 2 = 7, 4 + 3
7, 1 plus 1, 2. So the number is 27,76,686. What is the question? How many votes were polled together? तो हम ये answer statement लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे votes, इसे हम छोड़ देंगे. Votes polled together, that is 27,76,686. Now question number 2, what will be the sum of the smallest and the largest 6-digit numbers? यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं दिया है, तो हम किन्हें प्लेस करेंगे, ये सवाल आता है. लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, लेकिन नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, वो इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है. What will be the sum? अब यहाँ पे सम आया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये एडिशन का प्रॉब्लम है. What will be the sum of the smallest and the largest 6-digit numbers? तो यहाँ पे numbers नहीं दिए है, indirectly numbers का कुछ information दिया है. और क्या information दिया है? Smallest 6-digit number, largest 6-digit number. ये पहले हमें identify करना है कि smallest 6-digit number क्या होता है, largest 6-digit number क्या होता है, तभी हम इसे solve correctly कर पाएंगे. अब सवाल ये उठता है कि smallest 6-digit number क्या है. 6-digit numbers मतलब जो lakhs में होते हैं, वो होता है 6-digit number. जैसे मान लेते हैं 2-digit number है, तो 2-digit का smallest number जो रहेगा वो 10 और largest number रहेगा 99. जब हम 2-digit लिखते हैं, smallest number 10, largest 99. तो जब 3-digit की बात आती है, तो 3-digit में smallest होता है 100 और largest होता है 999. ऐसे ही सेम वे 4-digit में 1 के बाद 3 zeros आते हैं, यानी 1000, और largest होगा उस digit का 9999, 4 बार लिखेंगे. जब 5-digit आएगा तो 1, उसके आगे 4 zeros आएगा, और जब largest digit लिखेंगे तो 5 times 9 लिखेंगे. तो सेम वे यहाँ पे 6-digit smallest number क्या रहेगा, 1 और उसके आगे 5 zeros, और largest number क्या रहेगा, 6-digit number है, इसके लिए 9 हम 6 times लिखेंगे. So, अभी स्टेटमेंट में हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर 1 लाख, लार्जेस्ट 6-digit नंबर 9,99,999. अब ये दो नंबर का सम, इनकी ये दो नंबर को प्लेस करना है. एडिशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे मेन जो है क्वेश्चन में ये नंबर्स को लिखना, ये मेन पार्ट है. नो 9 plus 0, 9 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 9 plus 1, 10. सो ये जो है ये आंसर है. सो आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ सुरेखा ताई बॉट ए ट्रैक्टर फॉर ₹8,07,957 एंड ए थ्रेशर फॉर ₹32,609, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल टुगेदर आया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेस करना है. सो शी हैज परचेज्ड ट्रैक्टर एंड शी हैज परचेज्ड थ्रेशर, ये दोनों को जब हम प्लेस करेंगे तो हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, इसका आंसर हमें मिल जाएगा. अब क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट्स में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर 8,07,957, कॉस्ट ऑफ थ्रेशर 32,609. जब हम ये एडिशन प्रॉब्लम में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें केयरफुली रहना है, क्योंकि ये जो ऊपर का नंबर है वो लैक्स में है और ये जो नंबर है ये 10,000 में है, तो यहाँ पे एक नंबर हम छोड़ेंगे. यूनिट्स के प्लेस से यूनिट से स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज ये 3 अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो वो 3 लाख में जाएगा और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 9 plus 7, 16, 1 carry, 1 plus 5, 6, 6 plus 0, 6, 9 plus 6, 15, 5 लिखेंगे, 1 carry, 1 plus 7, 8, 8 plus 2, 10, 1 plus 0, 1, 1 plus 3, 4, 8. So total amount she spent is 8,40,566, यही हम यहाँ पे लिख देंगे. So this is the answer statement. Question number 4,
A textile mill produced 17,24,938 meters of cloth last year. ये पिछले साल का production है. And 23,47,056 meters this year. और ये current year का production है. What was the total production for the 2 years? यहाँ पे पूछा है total production for the 2 years. तो यहाँ पे हमें ये दोनों numbers को add करना है. तो ये simple है. अब statement में लिखेंगे और हम solve करेंगे. So cloth produced last year 17,24,938 meters. Cloth produced this year 23,47,056 meter. अब ये दोनों नंबर को लिखेंगे और ऐड करेंगे. So 6 plus 8, 14. One carry. 1 plus 3, 4. 4 plus 5, 9. 9 plus 0, 9. 4 plus 7, 11. 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 3, 10. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. So total production for 2 years is 40,71,994 meters. This is the answer. Now we will see the next question. Question number 5. If the government gave 34,62,950 worth of computers and 3,26,578 worth of TV sets to the schools, what is the total amount it spent on this equipment? यहाँ पे total amount पूछा है, तो हमें इन्हें place करना है. अब government ने क्या किया है, 34,62,958 के worth computers और 3,26,578 worth TV sets schools को दिया है. तो उन्होंने total कितना amount जो है वो expenditure किया है, खर्चा किया है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे what is the amount for computers, amount for TV sets. जब हम add करेंगे तो हमें यहाँ पे carefully addition करना है, क्योंकि यहाँ पे 34,62,950 है, यहाँ पे 7 digits है और यहाँ पे 3,26,578 है, यानी कि यहाँ पे 6 digits है. So यहाँ पे amount for computers 34,62,950, amount for TV sets 3,26,578. अब ये दोनों अमाउंट को जब हमने लिखा है तो हमें यहाँ पे केयरफुली रहना है कि एक डिजिट कम है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. यूनिट से ही हमें यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के टेंस, नीचे टेंस, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड्स, ऐसा लिखना है. अब हम ऐड करेंगे 0 प्लस 8, 8. 5 प्लस 7, 12. 1 प्लस 9, 10. 10 प्लस 5, 15. 1 प्लस 2, 3. 3 प्लस 6, 9. 6 प्लस 2, 8. 4 प्लस 3, 7. 3. So what is the total amount spent by the government? 37,89,528. ये हम answer statement में लिखेंगे. तो यहाँ पे ये exercise खत्म हो जाता है. Next problem से जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे subtraction. उम्मीद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो like कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सारे जो फ्रेंड सर्कल है उन्हें ये शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.